मैं अश्विनी मनोहर, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा योगा का 6th डे है, छठा दिन। आज हम बैक पेन के लिए हम आसन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बेड के बल पर लेट जाना है। उल्टे लेटना है। पहले हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन अलग अलग तरीके से किया जाता है। दोनों हाथ छाती की ओर, नाभि के ऊपर कमर की लाइन में, दोनों पैर साथ में रखने हैं। आपका फोरहेड जमीन पर रहेगा, पीछे से पूरे पैर साथ में रखने हैं। आपकी कोनिया जो है वो शरीर से टच रहेगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे उठना है नाभि तक। एक, कोनिया शरीर से टच रहेगी, पीछे से पैर खुलने नहीं चाहिए। जैसे भुजंग फणिधर नाग कोबरा पोज, पीछे से पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे। होल्ड करना है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। इसमें गलती क्या होगी आपकी कि धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो पैर यहाँ से छूट जाएंगे, तो वो छूटने नहीं चाहिए। ज़्यादा उठे वो भी नहीं उठना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। सेकंड अभ्यास अलग अलग, कल भी मैंने बोला था, अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ हमें हाथ ऐसे ही रखना है छाती के पास, और थोड़ा इसमें थोड़ा दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए उठना है। एक, सर पीछे की ओर, पैर पीछे से छूटने नहीं चाहिए। शोल्डर भी ऐसे नहीं होने चाहिए, शोल्डर एकदम रिलैक्स। ये भी भुजंगासन है, अलग अलग इंस्टीट्यूट में करवाने वाले अलग अलग भुजंगासन। सांसों को छोड़ते हुए दो, एक में शरीर ढीला छोड़ देना है। थर्ड वेरिएशन भुजंगासन, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड रखना है, आपका फोरहेड उसके ऊपर रखना है, सांसों को भरते हुए ऊपर। एक, दो, पैर पीछे से खुलने नहीं चाहिए, घुटना दोनों साथ में। एक, चेहरा एकदम रिलैक्स, तनाव नहीं होना चाहिए। दो, गति से भी कर सकते हैं। एक, दो, एक, दो, एक, तीन। तो ये हुआ भुजंगासन, रिलैक्स। आपको थकान होती है, उल्टा लेटकर आप करते हैं, तो मकरासन करना है। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट का अंतर रहेगा, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर फोरहेड रखना है। यदि आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका कान वाला जो हिस्सा है वो हथेली पर ऐसा रख के सो सकते हैं। मकरासन, मकर यानी मगर, क्रोकोडाइल पोज। तो उल्टा लेटकर जब करते हैं तो हमें मकरासन अच्छे तरह से ये होता है, रिलैक्सेशन होता है। धीरे से दोनों पैर साथ में। नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन। शलभ माने तीर, हमारे शरीर का पोज तीर जैसा होता है। इसमें भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। दोनों हाथ थाइस के नीचे, हथेली आकाश की ओर, एक दो फिंगर्स बाहर रहती है, वैसे रखना है। इसमें चिन रखनी है। अभी धीरे से आगे से नाभि तक का हिस्सा, इसमें पहले पीछे से हम पैर उठाएंगे। एक, पैर स्ट्रेट, घुटनों में से घुटना जॉइंट एक दूसरे के साथ जितना उठा सकते हैं, पंजा सामने की ओर तना हुआ। दो, दूसरा जो है दोनों हाथ नीचे ही रखते हैं। अभी इसमें आगे से नाभि तक का हिस्सा, पीछे से जितना आप उठा सकते हैं जंगा से। एक, घुटना छुटना नहीं चाहिए, पंजे छुटने नहीं चाहिए। दो, रिलैक्स। थर्ड वेरिएशन शलभासन, हाथ पीछे की ओर, कलाई पकड़ लेनी है,
अभी इसमें नाभि तक उठना है, लेकिन जब आप सांस भरते भरते उठेंगे तो आपका हाथ नीचे की ओर खींचना है। जितना नीचे की ओर खींचेंगे आपके आगे से बॉडी सपोर्ट करेगी ऊपर उठने के लिए। सावधान, एक, दो, रिलैक्स। इसमें हाथ ऐसे करके भी, दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों पैर एकदम साथ में। इसमें पैर खुलने नहीं चाहिए, नाभि तक सिर्फ आगे से बॉडी उठानी है। एक, हाथ जगह पर ही रहेगा, दो, नेक्स्ट, एक हाथ कमर पर रहेगा, एक हाथ आगे की ओर, चिन लॉक रखनी है जमीन पर। अभी जो हाथ है वो हाथ और पीछे से अपोजिट लेग, साथ में नाभि तक का हिस्सा उठाना है। एक, दो, अपोजिट, अपोजिट पैर उठाना है। एक, पैर स्ट्रेट सामने की ओर तना हुआ, बाइसेप्स स्थानों से चिपकाए हुए, दो, रिलैक्स। इसमें पेट पर प्रेशर ज्यादा आता है, हाई बीपी वाले जरा संभाल के करें। अभी नेक्स्ट करेंगे हम नौकासन। कल परसों हमने देखा था नौकासन किया था, उसका ये विपरीत है, लेग कर करने वाला, उल्टा लेग कर करने वाला। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, ये सावधान की स्थिति है। दोनों हाथ साइड से ले जाते हैं वो ऊपर की ओर, आकाश सामने की ओर, बाइसेप्स कानों से चिपकाए हुए, दो हाथों के बीच सर रहेगा, फोरहेड रखना है। अभी सांसों को भरते हुए आगे से सर, हाथ और छाती उठानी है, पीछे से हमारे पैर जंगा से उठाने हैं। एक, दो, रिलैक्स, धीरे से रिलैक्सेशन, मकरासन। ये हर एक आवृत्ति दो दो तीन तीन करनी है हमें। पेट की चर्बी भी कम होती है, कमर बैक पेन है उसमें भी राहत मिलती है, बैक पेन है यदि आपको। अभी हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं धनुरासन। धनुरासन, शल्भासन और भुजंगासन, ये दोनों का कंबाइन आसन है धनुरासन। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब हम धनुरासन करते हैं आगे से छाती तक, नाभि तक का हिस्सा उठाते हैं, पीछे से जंगा से उठाते हैं। तो ये जो धनुरासन है वो है शल्भासन और भुजंगासन का कंबाइन आसन है। धीरे से पहले दोनों पैर बैंड करने हैं, चीन जमीन पर, एंकल को पकड़ लेना है। धीरे से सांसों को भरते हुए पैर एकदम ढीले रखने हैं, शरीर भी एकदम रिलैक्स। आप जितना टाइट करेंगे तो आपका बॉडी ऊपर नहीं उठेगी। और ये पंजा आकाश की ओर खींचना है। एक, दो, इसमें आप रोलिंग भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे साइड पर भी कर सकते हैं, यहां से धक्का मारते हो अपोजिट, दो, धनुरासन रोलिंग, दो, एक, दो। इसमें आपकी गलती क्या होगी कि जब आप पैर उठाएंगे तो क्या होगा, आपके पैर धीरे धीरे ऐसे खुल जाएंगे, तो वो नहीं खुलने, शोल्डर लेवल पर ही आपके पैर चाहिए। रिलैक्स, मकरासन। लेडीज के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है धनुरासन। यूट्रस प्रॉब्लम है तो इससे भी उसे राहत मिलती है इस आसन करने से। नेक्स्ट करेंगे उल्टा लेकर करने वाला ट्विस्टिंग। लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड रखना है, दोनों पैर घुटनों में से बैंड करने हैं, ऐसे ज्यादा पीछे भी नहीं, ज्यादा आगे भी नहीं। अभी लेफ्ट साइड जाना है। एक, कमर की साइड की चर्बी भी कम करती है, बैक पेन है तो उसमें भी रिलैक्स मिलता है। एक,
पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, दो एक, दो एक, दो। तो ये हुआ एक्सरसाइज। नेक्स्ट करेंगे, इसे निरालंबा संधि कहते हैं और मकरासन भी कहते हैं। मकरासन वो भी रिलैक्सेशन वाला भी आसन था। दोनों कोनिया जमीन पर टच, दोनों हाथे हथेलिया खोल देनी है ऐसे साइड पर, पैर स्ट्रेट। अभी अल्टरनेट लेग को बैंड करना है, एक दो। एडी टच होती है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं होती है तो जितना टच हो रहा है नज़दीक जा रहा है। इसमें बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ पैरों की मूवमेंट घुटनों से रहेगी, ऐसे नहीं करना है, ये एकदम गलत है। आपको सिर्फ पैर जो एक्सरसाइज करे वो ही पार्ट मूवमेंट होगा। एक दो, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच। इसमें ये भी हाथ इसके नीचे ही आना चाहिए, ऐसे भी नहीं रखना है, ये भी गलत है, आपके कमर पर प्रेशर आएगा। नेक्स्ट दोनों पैरों से, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। तो ये हुआ निरालंबासन, मकरासन भी इसे कहते हैं। दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अभी हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन कंबाइन है कैट पोज एंड कैमल पोज। धीरे से ऐसे आ जाना है, दोनों पैरों के बीच हमें शोल्डर डिस्टेंस रखना है। हाथ हमारी हथेली जो है शोल्डर के नीचे आएगी। अभी जैसे बिल्ली चलती है तो ऐसे उसकी खून जो है अंदर की ओर जाती है सांस भरते हुए, एक। फिर कैमल जैसे करता है राइडिंग चलता है धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए, दो। जितना भी आप ऊपर ले जा सकते हो, एक दो, एक दो, एक दो। नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। ये कैमल राइडिंग किया था, ये किया था कैट कैमल पोज, माजरी आसन कहते हैं। नेक्स्ट उष्ट्रासन, इसमें पीछे से पंजे पर ऐसे बैठना है, आगे से हमारा जो पैर है वो शोल्डर डिस्टेंस पर रहेगा। धीरे से यहाँ से जो चार फिंगर से आपकी बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, दोनों साइड में ऐसे रखना है, पूरे नितंब पर बैठ जाना है। फिर धीरे से क्या करना है, नितंब से नितंब को उठाते हो आगे की ओर पुश करना है, ऐसे छाती को आगे की ओर, और फिर धीरे से पीछे की ओर सर को डाल देना है, ब्रीदिंग नॉर्मल। उष्ट्रासन, बैकवर्ड बैंड। जब लौटना है तो धीरे से पहले सर ऐसे ही रहेगा, धीरे से नितंब को रखना है, फिर सामने की ओर धीरे से बैठ जाना है। थकान हुई है, शशकासन, दोनों हाथ थाइस के ऊपर, सांसों को भरते हुए एक, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और सर साथ में, दो। सांसों को भरते हुए दो, हृदय को राहत मिलती है, एक। रिलैक्स। आज हमारा योगा का छठा दिन। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम बैठ के करने वाले आसन देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम।